और आज अपन नए टॉपिक की बात करेंगे, नए सिंह की बात करेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है अपना राजा राम मोहन राय यानी RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका क्या है पूरा नाम। ठीक है, ये दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन हुआ था पश्चिम बंगाल सोसाइटी के अंतर्गत, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था किसके अंतर्गत, पश्चिम बंगाल सोसाइटी, याद रह जाएगा पश्चिम बंगाल सोसाइटी, याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। कब किया गया था, 1961 में, पश्चिम बंगाल सोसाइटी 1961 में क्या हुआ रजिस्ट्रेशन। साल्ट लेक सिटी कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है, साल्ट, याद रख लेना साल्ट, साल्ट कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, इसका क्या है जो कार्यालय स्थित है, मेन जो मुख्य कार्यालय है कोलकाता में है। बहुत सारे कंफ्यूज रहता है दिल्ली है कहाँ है, तो दिल्ली तो ISBN प्रदान करने की एजेंसी है, मुख्य कार्यालय इसका कोलकाता है। आगे बात करता हूं RRLF का पूरा नाम, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका क्या है पूरा नाम, आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका क्या है पूरा नाम है। स्थापना कब हुई, जन्म शताब्दी थी राजा राम मोहन राय की, द्वितीय जन्म शताब्दी यानी 200 नंबर की जन्म शताब्दी जब स्थापना हुई थी 1972, यानी 22 मई, 22 मई 1972 को क्या की गई स्थापना की गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय की क्या की गई स्थापना की गई। ठीक है, और आपको पता है 1961 में क्या हो गई थी, पंजीकृत हो गई थी, 1961 में क्या हो गई थी, पंजीकृत हो गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, बात करते हैं कि ये किस प्रकार का संगठन है, ये किस प्रकार का संगठन है, तो ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। किस प्रकार का है, स्वायत्त शासी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार का संगठन है तो आपके आंसर आना चाहिए कि स्वायत्त शासी संगठन है। किस प्रकार का है, स्वायत्त शासी संगठन है। अगला आता है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा किसकी स्थापना की गई, ये स्थापना है दोस्तों, तो स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, आपसे पूछेगा किसके अंतर्गत आता है तो कौन सा विभाग है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत। ठीक है, NVS में पूछा गया है क्वेश्चन। और ये राजा राम मोहन राय दोस्तों एक प्रकार की भारत सरकार की नोडल एजेंसी मान सकते हैं। ठीक है, क्या है भारत सरकार की नोडल एजेंसी, ये क्या है भारत सरकार की नोडल एजेंसी, भारत सरकार की नोडल एजेंसी क्या है, नोडल एजेंसी ये राजा राम मोहन राय, याद रह जाएगा सबको, अरे सबको याद रह जाएगा नहीं रहेगा, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। RRLF को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना सब, राजा राम मोहन राय को प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राजा राम मोहन राय में कुल सदस्य होते हैं 22 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, और ये 22 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विकास मंत्री होता है, कौन होता है विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विकास मंत्री इसका क्या होता है अध्यक्ष, और ये जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य कौन होंगे, प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय प्रसिद्ध है ना, पुस्तकालय वैज्ञानिक, इसके क्या होते हैं सदस्य होते हैं, देखो 22 सदस्य होते हैं बता दिया। इस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष कौन होता है, मैंने बता दिया आपके लिए, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री,
इसका क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसका अध्यक्ष होता है। पुस्तकालय विकास के मामले में सरकार को सलाह कौन देता है, तो वो भी कौन देता है, राजा राम मोहन राय। यानी पुस्तकालय विकास, सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए जो सलाह देने वाला कौन है, वो भी राजा राम मोहन राय है। अगला आता है अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है। पुस्तकालय जो तकनीकी और वित्तीय सहायता यानी थोड़ा पैसा वैसा देता है, उसका अनुदान उठाता है, वो कौन देता है, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मैचिंग और नॉन मैचिंग किससे संबंधित है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैचिंग नॉन मैचिंग किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए RRLF, RRLF, मैचिंग नॉन मैचिंग, है ना। RRLF द्वारा वित्तीय योजना कौन कौन सी बनाई गई, तो वित्तीय योजना 100% और 50% भी देते हैं। 100% तो छोटे पुस्तकालय को दे देता है और जो 50% है वित्तीय सहायता, ये बड़े पुस्तकालय, ठीक है, ये छोटे पुस्तकालय और ये बड़े पुस्तकालय, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था 100% वित्तीय सहायता बाल पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, बाल विभाग, केंद्रीय संशोधित पुस्तकालय को देते हैं। 50% वित्तीय सहायता योजना किस किस को दी जाती है, 50% भी जो 100 और 50 देता है, तो 50% किस किस को दी जाती है, तो 50% देखो किनको दी जाएगी, पुस्तक दृश्य सामान सामग्री को, पुस्तक संख्या संगोष्ठी या सेमिनार, पुस्तक प्रदर्शनी, जिला जेल के निचले स्तर के पुस्तकालय में स्थान विस्तार के लिए दी जाती है 50%, ठीक है। पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया सार्वजनिक पुस्तकालय में, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलित पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, अब चलित पुस्तकालय सेवा की बात आए तो चलित पुस्तकालय सेवा राजा राम मोहन के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सार्वजनिक पुस्तकालय के संसाधनों का एक डाटा बैंक सृजन के लिए डाटा एंट्री कार्य करने किसके द्वारा प्रदान किया प्रारंभ किया गया है, तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि जो राजा राम मोहन राय है किन पुस्तकालय से संबंधित है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, किसके लिए बताओगे, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। और यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि RLF किन पुस्तकालय संघ के साथ संबंध बनाए रखता है, संबंध की बात कर रहा है, तो इला, इपला और आइजलिक इनके साथ क्या बनाए रखता है, संबंध बनाए रखता है। अगला जो क्वेश्चन आता है, इपला पढ़ रहे हैं, राजा राम मोहन राय पढ़ रहे हैं अपन, क्वेश्चन आता है 1981 में कौन सी कार्यकारी दल का गठन किया गया, तो 1981 में कौन सी कार्यकारी दल का गठन किया गया, जो कार्यकारी दल का जो गठन है किसके द्वारा किया गया, 1981 में जो कार्यकारी दल का गठन किसके द्वारा किया गया, RRLF के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे संबंधित है या किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका भी जो तैयार करने वाला राजा राम मोहन राय था, और ये किसके द्वारा तैयार किया गया, 1983 और बीपी बरुआ के द्वारा। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1983, बीपी बरुआ, राजा राम मोहन राय। अब दोस्तों ये बीपी बरुआ की मैं बात कर लेता हूं कि बीपी बरुआ कौन है, तो बीपी बरुआ राजा राम मोहन राय के प्रथम अध्यक्ष, RRLF के क्या है, प्रथम अध्यक्ष कौन, बीपी बरुआ। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है लेटेस्ट अपडेट, कंचन गुप्ता,
नाम औरत जैसा है मगर है आदमी, नाम औरत जैसा है लेकिन है आदमी। तो वर्तमान की अगर बात कर ले तो वर्तमान कौन है? कंचन गुप्ता, याद रह जाएगा कंचन गुप्ता। इसके अलावा मैं बात करूंगा इसके डीजी, जनरल सेक्रेटरी की जो डीजी है, जनरल डायरेक्टर डीजी की बात करूंगा। डीजी तो डीजी जो है इसका विनय कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार श्रीवास्तव। राजा राम मोहन राय का क्या है? डीजी है। क्या है? डीजी। राजा राम मोहन राय का क्या है? डीजी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट किस विभाग द्वारा किसकी अध्यक्षता में की गई? ड्राफ्ट पॉलिसी, तो ड्राफ्ट पॉलिसी भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग और डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, और जीटी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। अगला जो क्वेश्चन आता है, आईएसबीएन नंबर किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आईएसबीएन किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, RRLF, RRLF के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और ये जो प्रदान किए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, कब से प्रदान किए जा रहे हैं बताओ? 1985 से। कब से प्रकाशित किए जा रहे हैं? 1985 से ये प्रदान किए जा रहे हैं दोस्तों। कब से? 1985 से आईएसबीएन नंबर प्रदान किए जा रहे हैं, याद रह जाएगा आपको, रहेगा नहीं रहेगा बताओ आप? अरे बता दो यार, रह जाएगा। और इससे पहले मैं बता देता हूं कि आईएसबीएन नंबर, तो आईएसबीएन की पूरी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या नाम है लिख लो साथ के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका क्या है? पूरा नाम है इसकी, जो नोडल एजेंसी की, जो एजेंसी की बात, जो प्रधान करता है, तो प्रदान करने वाली एजेंसी, प्रदान करने वाली एजेंसी कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, याद रह जाएगा। अरे सबको याद रहेगा नहीं रहेगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रंथाना किसका प्रकाशन है? तो किसका है? राजा राम मोहन राय का। किसका प्रकाशन है? राजा राम मोहन राय का क्या है? प्रकाशन है। इसके अलावा मैं प्रकाशन की मैं बात करूं दोस्तों आपके सामने, तो प्रकाशन में एक तो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया का जो प्रकाशन करता है वो भी कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। और ग्रंथाना का जो प्रकाशन करेगा वो भी कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। इसके अलावा टैगोर बिब्लियोग्राफी और RRR न्यूज़लेटर इसके प्रकाशन है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे टैगोर बिब्लियोग्राफी किससे संबंधित है, तो टैगोर बिब्लियोग्राफी, बी लिख देता हूँ ना, बिब्लियोग्राफी बोल दिया मैंने, टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका प्रकाशन है? तो राजा राम मोहन राय का। इसके अलावा न्यूज लेटर आ जाए, RRR न्यूज लेटर, न्यूज लेटर भी किसका है? राजा राम मोहन राय का। और इसके अलावा डायरेक्टरी और पब्लिक लाइब्रेरी, डायरेक्टरी 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 ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी किसका प्रकाशन है?
राजा राम मोहन राय का प्रकाशन है। यह प्रकाशन से संबंधी मैंने जानकारी उपलब्ध करवा दी आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, आईएसबीएन नंबर कितने थे? तो आईएसबीएन नंबर कितने हैं? 13 है। देखो आईएसबीएन नंबर की भी मैं बात करा दूं, आप बता दूं आपके लिए, जो आईएसबीएन नंबर है 2006 तक, 2006 तक तो कितने डिजिट? 10 डिजिट। 2007 को चेंज हो गए और कितने डिजिट हो गए? 13 डिजिट हो गए। यहाँ पर भाग कितने थे? 4, और यहाँ पर कितने थे? 5। यह चेंज हुआ था 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर 2007 तक तो 10 थे, 1 जनवरी 2007 तक 13 थे। ठीक है, 2011 में इसका ऑफिस स्थित है, राजा राम मोहन राय का ऑफिस स्थित है, बताओ ऑफिस कहाँ है? तो आईएसबीएन जो प्रदान करनी, आईएसबीएन का है, आईएसबीएन की बात कर रहा हूं, तो नई दिल्ली में है। 2011 से आईएसबीएन का जो मुख्यालय है, जो एजेंसी, नोडल एजेंसी, वो दिल्ली है। अब यहाँ पर अगर राजा राम मोहन राय के अगर मुख्यालय की बात करें तो 4 मुख्यालय हैं। कितने मुख्यालय हैं? 4 मुख्यालय। देखो आईएसबीएन नंबर प्रदान करने की तो दिल्ली है, मगर RRLF की अगर मुख्यालय की बात करें तो कितने मुख्यालय याद करना है? 4। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, पहला जो क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। दूसरा कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। तीसरा कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और चौथा कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। और नोडल एजेंसी आईएसबीएन दिल्ली है। ठीक है, पूछ लेगा ये 4 है क्षेत्रीय कार्यालय, असम, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बता दोगे आप? ये फेलोशिप किस किस को प्रदान करता है? दो पुरुष और एक महिला। दो पुरुष एक महिला जो लाइब्रेरी में काम करते उसको 25,000 रुपये प्रशस्ति पत्र प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? राजा राम मोहन राय। इसके अलावा राजा राम मोहन राय सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए डायरेक्टरी का निर्माण करता है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का निर्माण कौन करता है? निर्माण, निर्माण राजा राम मोहन राय सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए करता है डायरेक्टरी का निर्माण। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए डायरेक्टरी का निर्माण करता है। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि पुस्तकालय आंदोलन में भूमिका निभाना, आदि नियम पारित करवाना, कर्मचारियों को सतत शिक्षा देना, परामर्श देना, जो भी वेतन संबंधी विसंगति और उनको दूर करना है, किसका काम है? राजा राम मोहन राय का क्या है दोस्तों? काम है। तो राजा राम मोहन राय की ये जानकारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दी है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि जाएगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं वापिस नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों।